हेलो गुड मॉर्निंग हमारे लोन जीवन, आज हम थाईलैंड में आए हैं। थाईलैंड के दूसरे दिन में हम आज खाना खाए इसी रेस्टोरेंट आपका जो शो के बाद, और हमको आज मैम के साथ मिलने का मौका मिला। जो भी हम देखते थे वुमेन्स एम्पावरमेंट डे में कि हमारा एमराल्ड अचीवर हमारा टीम से हमारा लड़की के अंदर से मिसेस ज्योति मैम यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी अपने माँ को अपना चाची और माँ सब लोग को भी यहाँ पे लेके आए हैं, तो हर रिश्ते को। ये भी हमारा छोटा बेटी है, कैसे मैम सब कुछ मैनेज करते हैं, मैनेज करके अच्छे से बिजनेस करते हैं और धमाका मचा देते हैं। हम भी मैम से सुनेंगे और सुन के उसको हमारे लाइफ में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। क्योंकि हम लोग बनारसी ग्रुप हैं भाई, तो महादेव तो पहले ही आते हैं। और आज देखा जाए, हम लोग पूरा दो दिन से थाईलैंड में पूरा फुल मस्ती और एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा लाइफ का ये थर्ड तीसरा ट्रिप है। पहले मैं उनकी मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए स्मार्ट वेल में मेरा 19 साल कम्प्लीट हो चुका है। और आज से बोला जाता है ना, जब अभी हम लोग का 25वां सेलिब्रेशन हुआ और जब 10th हुआ था उस टाइम मैं पहली बार आई थी क्वालिफाई करके। जैसे अभी SBL चल रहा है, बट उस टाइम SBL नहीं चल रहा था, उस टाइम एक लेवल बनाना था। और थाईलैंड ट्रिप में फर्स्ट टाइम क्वालिफाई की थी और इतना एक्साइटमेंट था। और उसी टाइम मैंने सोच बनाया था कि मैं जब भी अपना एक लेवल अच्छा अचीव करूंगी, तो आज तो मैं सिंगल आई हूँ, नेक्स्ट बार आऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा टीम को लेके आई दूसरे बार वाले ट्रिप में। और तीसरे वाले में मैं आई तो मेरा सोच एक बहुत बड़ा बना था। और मेरे लिए उस नसीबी की बात यह है कि वो आज मैंने अचीवमेंट किया है। क्योंकि अपने तो लाइफ में सब लोग घूमते हैं, अपना तो एंजॉयमेंट सब करता है, पर अपने माता पिता और मेरी चाची यहाँ पे हैं, जो मुझे बचपन से मतलब ये माँ जन्म दी है, तो वो माँ एक यशोदा माँ की तरह मुझे पाला पोसा। और मेरा सोच था कि नहीं, मैं जब बड़ी होंगी और स्मार्ट वेल में कुछ अच्छा करूंगी, तो अपने तो फॉरेन ट्रिप की हूँ पर अपने पेरेंट्स लोग को भी घुमाऊंगी। और आज मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी सासू माँ, जो हम लोग गर्ल्स लोग को एक ड्रीम दिखा देते, जो हम लोग स्टूडेंट कैटेगरी में रहते थे, ड्रीम सपना सारे सीनियर दिखाते हैं कि अपने भी लाइफ स्टाइल आप यहाँ से चेंज करिएगा ही करिएगा, आने वाले फ्यूचर में आप अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को भी वो लाइफ स्टाइल दे पाइएगा। और वो सारा ड्रीम सपना मेरा सब फुलफिल हुआ। और कहीं ना कहीं इसका बस श्रेय जाता है अपलाइन कर रहे थे, मैंने लास्ट मार्च के काम किया। ऐसा नहीं कि मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे जितने भी हमारे पेरेंट्स बैठे हैं किसी को यकीन नहीं था उस टाइम स्मार्ट वेल को लेकर। बट एक जिद था कि नहीं, मुझे लाइफ में खुद का कुछ अपना करना, अपनी पहचान बनानी है। और ये सारा सोच लेकर, विजन लेकर मैंने बस काम किया। और आज कहीं ना कहीं उन लोगों का आशीर्वाद है। बस एक शख्स को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे चाचा है, वो नहीं आ पाए कोविड के चलते, सॉरी गाइस। बस मेरी चाची है, उनको मैंने आज ये देश घुमा है, मुझे बहुत अंदर से अच्छा फील हो रहा है। आने वाले फ्यूचर में आप लोग भी घूमिए, किसी की बातों को निगेटिव मतलब नहीं, आप लोग को निगेटिव लोग से दूर ही रहिए। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये सारा कुछ एनवायरमेंट आप खुद देख रहे हैं कि मैं कर पा रही हूँ। और मैं तो आप लोग के सामने जीता जागता बोलते एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि 19 साल का जर्नी मैंने स्टूडेंट लाइफ, मदर वाला रोल, सास बहू वाला रोल, बेटी वाला रोल सब अदा कर रहे हैं। तो गर्ल्स है, अब तो मैं माँ बन गई हूँ, तो माँ तो डबल पावर में रहती है कि नहीं। तो आप लोग भी बस एकदम सोच पॉजिटिव रखिए, एकदम दिल लगा के, मन लगा के एकदम काम करिए। और आने वाले फ्यूचर में आप लोग भी ऐसे ही पूरे अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, ऐसे ही पूरे थाईलैंड के पूरे वर्ल्ड में एकदम घुमाइएगा और इंजॉय करिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मैम। देखिए हमारा मैम ने आज, तो आप सोचते हैं कैसे हमारा सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा, हमारा मैम एमराल्ड अचीव किए हैं, तो हमको ये खुशी होना चाहिए। और जो भी मैम बोले हमको उसको हमारे लाइफ में उतारना चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से देखना।